अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फजी ब्राउनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही सुपर टेस्टी बनके तैयार होती है। ऊपर की साइड से क्रिस्पी रहती है और अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट। खाने में इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। बच्चे और बड़े से सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे बनाना बेहद ही आसान है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें। तो फिर आइए इस फजी ब्राउनी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चॉकलेट और बटर को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं बॉईल होता हुआ पानी, इसके ऊपर रखेंगे खाली बॉल। अब इसमें डालेंगे डार्क कंपाउंड चॉकलेट। चॉकलेट आप अपनी मर्जी से कम या फिर ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए। और अब डालेंगे 100 ग्राम बटर। तो यहाँ पर हम बटर सॉल्टेड यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास अनसॉल्टेड है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे गैस स्टोव पे रख के लो फ्लेम पे भी मिक्स कर सकते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉकलेट और बटर दोनों अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा सिल्की है और ये इसी तरह का होना चाहिए। तो हम इसे साइड में रख देते हैं क्योंकि रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक बड़ा सा खाली बॉल लेंगे और इसमें डालेंगे 1-2 कप शुगर। ब्राउनी में आप जितना मीठा चाहते हैं उसके हिसाब से शुगर ऐड करें। और इसमें जाएगी 1-2 कप ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप करके वाइट शुगर की क्वांटिटी बढ़ा दें, जितना आपको मीठा चाहिए उतना ही डाल दीजिएगा। अब इसमें डालेंगे 1/4 स्पून नमक और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीनों चीज़ें मिक्स होने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे 2 एग। आपको यहाँ पर एग रूम टेम्परेचर का रखा हुआ इस्तेमाल करना है। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर जो शुगर है आपको इसे मेल्ट होने तक मिक्स करना है। जो दूसरा एग है ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसे हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। जब तक ये क्रीम की तरह बनके तैयार नहीं हो जाता तब तक आप इसे मिक्स करते जाएं। तो यहाँ पर एग अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये जो बटर और चॉकलेट को हमने मेल्ट किया था ना, ये भी इसमें डाल देते हैं। तो गाइस, अगर आपके पास डार्क कंपाउंड चॉकलेट नहीं है तो आप इसमें चॉको चिप्स भी डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे। कुछ ही देर बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें और दो चीज़ें शामिल करेंगे। तो फर्स्ट है 2/3 कप मैदे का आटा, 1/4 कप जाएगा कोको पाउडर। इसे छान लेते हैं। इसके छानने से ब्राउनी का जो बैटर है बहुत ही सिल्की बनके तैयार होता है। अगर आप ब्राउनी कम या फिर ज़्यादा बना रहे हैं तो तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा ले सकते हैं। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस फजी ब्राउनी में ना तो बेकिंग पाउडर डालते हैं और ना तो बेकिंग सोडा, इसी तरह से इसको बेक किया जाता है। अगर आप स्पंजी ब्राउनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, ज़रूर देखें। तो यहाँ पर फजी ब्राउनी का बैटर तैयार हो चुका है, बहुत ही सिल्की और स्मूथ है, इसी तरह का ये होना चाहिए। अब इसको हम मोल्ड में डाल देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मोल्ड को बटर से ग्रीस कर लेंगे। जितनी देर आप इस ब्राउनी के बैटर को बाहर रखेंगे उतना ही ठीक होने लगता है, क्योंकि इसके बैटर में चॉकलेट और बटर है जो ठंडा होने की वजह से ठीक होने लगता है। तो आप इसे फौरन ही मोल्ड में डाल दें। इसके बाद इसको टैप करेंगे, इसमें जो भी एयर बबल्स रहते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। इस ब्राउनी को हम ओवन में बेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको ओवन 160 सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। जब वो प्रीहीट हो जाएगा तब इसका बैटर इसके अंदर रख देंगे और इसे 20 मिनट के लिए 160 सेल्सियस पे बेक कर लेते हैं। इस ब्राउनी को लो हीट पे ही बेक करना है, तब ये फजी बनके तैयार होती है। इस ब्राउनी को रखे हुए 20 मिनट हो चुके थे, हम इसको बाहर निकाल दिए। इसे बाहर निकालने के बाद कम्प्लीटली ठंडा कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किपर का जो कवर है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और शाइन भी कर रहा है। अगर आप इसे विदाउट ओवन कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप इसे लो हीट पर 1 घंटे तक बेक करें। सबसे पहले आपको कुकर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। तो यहाँ पर हम ब्राउनी को कट कर रहे हैं। जितने साइज के आपको पीसेस चाहिए यहाँ पर आप कट कर लें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउनी की जो ऊपर की साइड है वो लाइट ब्राउन है और नीचे की साइड है डार्क ब्राउन, इसी तरह की ब्राउनी होनी चाहिए।
तो यहाँ पर हम तमाम पीसेस को कट कर दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। आप इसका टेक्सचर यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फजी बिल्कुल मॉइस्ट बन के तैयार हो चुकी है। ये ब्रॉनी ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप हमारे स्टाइल में स्पंजी ब्रॉनी केक की रेसिपी देखना चाहते हैं जिसमें बेकिंग पाउडर और कॉफ़ी डाला जाता है, तो इसकी रेसिपी आपको वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, ज़रूर देखें। यहाँ पर हम एक ब्रॉनी की मज़ेदार सी प्लेट बनाएंगे। तो सबसे पहले लेंगे ब्रॉनी, इसके ऊपर डालेंगे वनीला आइसक्रीम और अब जाएगा चॉकलेट सिरप। आप इस ब्रॉनी को हमारे तरीके से ज़रूर बनाएं और इसे इंजॉय करें। आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शाहदास कुकिंग पे न्यू है, पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलते हैं कौन यू मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।